हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस फ़ोन में आप लोग वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास एक इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको वॉलपेपर को चेंज करना है, अगर आपके फ़ोन में जो वॉलपेपर लगा हुआ है गाइस वो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको दूसरा वॉलपेपर लगाना है, आप लोग जो गैलरी को जो खुद के फोटोज है गाइस उसको भी आप लोग वॉलपेपर पर लगा सकते हो गाइस, तो कैसे आप लोग वॉलपेपर को चेंज करोगे तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉलपेपर को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सोनलाइजेशन का, तो इस पर्सोनलाइजेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देख सकते हैं तीन ऑप्शन मिलेंगे वॉलपेपर में, स्टैटिक वॉलपेपर, ऑनलाइन वॉलपेपर और गैलरी का। तो सबसे पहले तो मैं स्टैटिक वॉलपेपर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको जो कुछ जो है इंटरनल वॉलपेपर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर से अगर आपको कुछ पसंद आ गया है आपको उस पर क्लिक करना है। अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पर इस वॉलपेपर को कहाँ पर लगाना चाहते हो, होम स्क्रीन में, लॉन्ग लॉक स्क्रीन में या दोनों में, ये आपकी चॉइस है। जहाँ पर भी लगाना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं। तो अभी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ इस कैसे आप लोग गैलरी के फ़ोटोज़ को भी लगा सकते हैं। तो आपको जो है गैलरी पर क्लिक करना है। गैलरी पर क्लिक करने से यहाँ पर जो है आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और यहाँ पर गैलरी में जो भी फोटोज है गाइस वो शो हो जाएंगे। तो जिस भी फोटो को आप लोग वॉलपेपर में लगाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर से ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर जो है वो फोटो कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और इस वॉलपेपर को कहाँ पर लगाना है उस पर क्लिक करना है, तो आपका जो वॉलपेपर है गैलरी का वो भी आपका वॉलपेपर में सेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस फ़ोन में वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।